जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, अगर हम उनके बारे में बोलेंगे तो कांग्रेस को आपत्ति होगी। जो हमारे राष्ट्र की बात है कांग्रेस को आपत्ति होगी। कांग्रेस ने जब जब आपत्ति उठाई है, आप देखिए काय पे आपत्ति उठाई है। राम जन्मभूमि के शिलान्यास पे आपत्ति उठाई, वैक्सीन पे आपत्ति उठाई, सेना पर आपत्ति उठाई, सर्जिकल स्ट्राइक पे आपत्ति उठाई। ये हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का, हर भारतीय के स्वाभिमान का, सम्मान का, भावनाओं का प्रश्न था। इनको आपत्ति उठाई। आपने कभी कांग्रेस को तुष्टीकरण पे आपत्ति उठाते नहीं देखा होगा, जब इनके कान बजते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह इनके नेताओं को, खासकर दिग्विजय सिंह को, काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देता है, तो आप उससे इसका अंदाजा समझ जाइए। ये सनातन पे सवाल उठाने वाली कांग्रेस है, ये INDIA जो घमंडिया गठबंधन है, ये वही गठबंधन है और उसी का एक अंग कांग्रेस है। राम मंदिर बनने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? कितनी बड़ी गौरव की बात है भारत के लिए, मोदी जी ने जो घोषणा, भारत के हर उस आदमी के लिए गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, अब तो ये बताएं कि जिनके कारणों से नहीं बना था, या जो राम मंदिर की तारीख पूछते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब 22 तारीख बता दी है। माननीय सोनिया जी जाएंगी क्या, राहुल जी जाएंगे क्या उस दिन दर्शन करने? मतलब डैमेज कंट्रोल लेके क्या चल रहा है? डैमेज कंट्रोल लेके भारतीय जनता पार्टी की बयार बह रही है। ये बयार मतदान के दिन आंधी